रमा देवी पर विवादित टिप्पणी के लिए आजम खान ने लोकसभा में मांगी माफी। कहा, अगर मेरे बयान से तकलीफ पहुंची है तो मैं माफी मांगता हूं। आजम खान की माफी पर बोली बीजेपी सांसद रमा देवी, कायम की आदत जरूरत से ज्यादा बिगड़ी, सुधरने की जरूरत। कर्नाटक में येदियुरप्पा सरकार ने साबित किया बहुमत, विपक्ष ने नहीं की मत विभाजन की मांग। बहुमत परीक्षण के बाद स्पीकर रमेश कुमार ने दिया इस्तीफा। 3 तलाक बिल को राज्यसभा से पास कराने में जुटी बीजेपी सरकार, सहयोगी दलों को मनाने की कवायद तेज, बीजेडी को पक्ष में करने पर जोर। आरटीआई बिल में संशोधन के खिलाफ विरोध तेज, आरटीआई कार्यकर्ताओं ने जंतर मंतर पर किया विरोध प्रदर्शन। कहा, सरकार कानून को कर रही है कमजोर। कर्नाटक और गोवा के बाद अब महाराष्ट्र कांग्रेस में भी टूट के संकेत, बीजेपी नेता गिरीश महाजन का दावा, 50 MLA हमारे संपर्क में, चुनाव से पहले पार्टी में होंगे शामिल। विजय माल्या की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को होगी सुनवाई, माल्या ने संपत्ति कुर्क करने की प्रक्रिया पर रोक लगाने को लेकर दाखिल की थी याचिका। मोदी सरकार 6 नए IIM की फंडिंग पर लगा सकती है बंदिशें, शिक्षाविदों ने दी चेतावनी। कहा, फंड पर रोक से सुविधाओं का लाभ उठाना भी हो जाएगा मुश्किल। ऑल इंडिया सेव एजुकेशन समिति ने मोदी सरकार की शिक्षा नीति पर उठाए सवाल, राष्ट्रीय शिक्षा नीति मसौदा 2019 को बताया हिंदुत्व पैकेजिंग और वैश्विक पूंजीकरण। सीजीआई के खिलाफ शिकायत के लिए बनाई गई कमेटी पर पूर्व न्यायाधीश ने उठाए सवाल, कहा, हमें एक मजबूत तंत्र की जरूरत, जांच को गोपनीय रखना ठीक नहीं। उन्नाव पीड़िता हादसे को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव, मायावती, प्रियंका गांधी का बीजेपी पर निशाना, कहा, हादसे के लिए आरोपी बीजेपी विधायक जिम्मेदार। वर्ल्ड टाइगर डे के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अखिल भारतीय बाघ अनुमान रिपोर्ट 2018 को किया जारी, अनुमान में बताया देश में कुल है बाघों की संख्या 2967। ईरान से कटपट को लेकर बोले अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो, तनाव कम करने के लिए ईरान जाकर बात करने की इजाजत नहीं मिली। भारत ने पाकिस्तान को राजनयिकों के शोषण को लेकर जारी किया मौखिक नोट, 5 मामलों को लेकर पाकिस्तान ने जताया विरोध। चंदा कोचर, दीपक कोचर और वीडियोकॉन ग्रुप के चेयरमैन वेणुगोपाल धूत से जांच एजेंसियां फिर कर सकती है पूछताछ, वीडियोकॉन ग्रुप ने कोचर को दिए थे पैसे, इसे लेकर होगी तहकीकात। आम्रपाली के फ्लैट देने का एक्शन प्लान तैयार, NBCC ने प्रोजेक्ट को 3 कैटेगरी में बांटा, 11,403 लोगों को 6 महीने में मिलेगा घर। सरफराज अहमद से टेस्ट कप्तानी छीने का पाकिस्तान बोर्ड, 29 साल के शान मसूद को मिल सकती है कमान। सुपर ओवर बाउंड्री विवाद का समाधान तलाशने के लिए ICC ने कुंबले को सौंपा जिम्मा, क्रिकेट समिति की बैठक में होगी मीटिंग। बागी 3 में वर्ल्ड क्लास का होगा एक्शन, स्टंट कोरियोग्राफ कर रहे हैं टाइगर श्रॉफ, ट्विटर पर लिखा, फिल्म में ऐसा कुछ होगा जो ऑडियंस ने पहले कभी नहीं देखा होगा। डिंचक पूजा का नया गाना नाच के पागल यूट्यूब पर हिट, फनी मीम्स हो रहे हैं वायरल, यूट्यूब की ट्रेंडिंग लिस्ट में टॉप पर पहुंच रहा है गाना।